आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन वेब सीरीज के बारे में। ये कोरियन वेब सीरीज है, लव यानी रोमांटिक वेब सीरीज है ये। टोटल इसके अंदर 28 एपिसोड है और मैंने इसके सिर्फ 26 एपिसोड देखे हैं। सिर्फ क्या मतलब, दो ही एपिसोड रह गए थे देखने, अब वो क्यों नहीं देखे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, इसका हर एक एपिसोड तकरीबन 45 से 50 मिनट के आसपास है, मतलब काफ़ी बड़ी एक सीरीज़ है ये। अब इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है फांग। अब उस लड़के को एक बीमारी है, बीमारी इन द सेंस कि वो भूल जाता है, गजनी है, तो गजनी से भी थोड़ी सी भयंकर बीमारी है इसको, कि बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जिस भी महिला साथी के साथ होता है, मतलब कि इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको भूल जाता है। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, फांग की अगर कोई गर्लफ्रेंड है और अगर बारिश हो गई, मतलब समझो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, एक दिन पहले उसने अपनी कोई जीव बनाई, फिर उसके अगले दिन बारिश हो जाती है, तो वो उसके बारे में भूल जाता है, बाकी उसको याद रहता है, बस उस लड़की को भूल जाएगा, उसके साथ उसका रिश्ता क्या है, उसका नाम क्या, सब कुछ क्लियर, मतलब दिमाग से गायब हो जाएगी वो लड़की, फिर से उसको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। सिर्फ ये लड़कियों के साथ उसकी प्रॉब्लम है, और वो भी जो भी उसकी जीव बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को ये अच्छे से समझाया होगा, मतलब मैं कोई लेसन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये एक बड़ी यूनिक सी बीमारी है, और लौंडा काफ़ी ज़्यादा अमीर है। अभी आ रहा हूँ इसके ऊपर, जब बात क्यों बोली है, क्यों काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और इधर एक इसकी मतलब एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चाय, पीने वाली चाय होती है, मतलब नाम तो ऐसा ही है। अब यहाँ पर ये एक एलियन है, अब इसका इतिहास भूल जाओ यार, ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, बस एकदम से प्रकट हो जाती है, धुआं धुआं होता है, धुएं में से निकल के आती है, और बिल्कुल इंसानों जैसी, बिल्कुल इंसानों के इंसान ही है। तो यहाँ पर अलग करने के नाम पे इस एलियन के बस खून को नीला दिखाया गया है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब दोनों के बीच में लव एंगल दिखाने की कोशिश, मतलब लव एंगल ही दिखाया गया है, प्रॉपर इन दोनों के बीच में दिखाया गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने स्टोरी देखी है इन दोनों की, कि लड़के को एक प्रॉब्लम है, लड़की आती है, लड़की सुलझा देती है, अब वो एलियन है, ये वगैरह वगैरह, इससे पहले मैंने एक सीरीज देखी थी, कोरियन वेब सीरीज थी, उसका नाम था आई एम नॉट रोबोट, ऐसे करके एक सीरीज थी कोरियन की, तकरीबन शायद उसके अंदर 16 एपिसोड थे, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। अब उसमें क्या था, अगर आप इन दोनों, मैंने इन दोनों देखी है, दोनों को मैं कंपेयर करके आप लोगों को बताऊँ, तो एक लड़का काफ़ी ज़्यादा अमीर है, उसको एक यूनिक सी बीमारी है, अब उसकी बीमारी को देखो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, भाई साहब उन्होंने जहान भर की दवाइयाँ खा ली, लेकिन कोई माइका लाल उनकी बीमारी ठीक करके दिखा दे, नहीं ऐसा हो ही नहीं पा रहा, ठीक कौन करेगा। एक लड़की आएगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो एक एलियन हो सकती है, वो रोबोट हो सकती है, लेकिन हाँ लड़की भी अलग तरीके से चुनेंगे, वो ठीक करके जाएगी, तो सेम कॉन्सेप्ट यार। देखो मैंने दो एपिसोड क्यों नहीं देखे ना, रीजन क्या है, ये सीरीज ने दिमाग की दही कर दी मेरे, मतलब इन्होंने जो एक यूनिक सी बीमारी का जो कॉन्सेप्ट डाल रखा है ना, कि एक लड़के को बीमारी दे दो अजीब सी दुनिया भर में, मतलब कोई मिलती ही ना हो ऐसी बीमारी, ऐसी उसको बीमारी दो लड़की आगे ठीक करेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी देख चुका था। और भी कैसी ऐसी सीरीज है कोरियन, मतलब जिसके अंदर मैंने ये चीजें देखी है। अब यहाँ पर ये वाली जो ठीक था यार, मैं देख रहा था स्टार्टिंग में सही लग रही थी, मुझे भी लगा यार कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो इसलिए शुरुआत में तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर ये जो फांग है इस लड़की को कहता है, ये जो एलियन है इसको कहता है, चाय को कहता है कि देखो मैं तुझे पसंद करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। इधर ये एलियन कहती है, इसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो भाव आ रहे हैं, इसके इमोशंस क्या हैं, देखो कुछ भी नहीं बताया, इसके इमोशंस क्या हैं, ये कैसे बात कर पा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बताया, मतलब कोई थोड़ा बहुत इतिहास दिखाओ ठीक है, चलो नहीं दिखाया, वो भटकना पड़ता, वो भटक जाते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पर ये फांग कहता है इस एलियन को, चाय को कहता है देखो मैं तुझे पसंद करता हूँ, इधर चाय कहती है कि नहीं 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 मैं नहीं करती भैया। फिर चाय जाती है, चाय को थोड़े दिन बाद एहसास होता है यार मैं भी तो करती हूँ, फिर वो आके इसको कहती है देख मैं भी तुझसे मैं करती हूँ तुझसे। इतनी देर में यहाँ पर फांग मतलब इसकी सटक जाती है, कहता है अब मैं नहीं करता भाई, चलो कोई ना, अब लड़की चली जाती है। अब फिर थोड़ी देर बाद फांग को एहसास होता है कि हाँ यार मैं तो करता हूँ उससे, अब फांग जाके लड़की को बोलता है कि मैं करता हूँ तुझसे प्यार। इधर लड़की की फिर सटक जाती है, लड़की कहती है नहीं मैं नहीं करती अब तुझसे। भाई चल क्या रहा है, 26 एपिसोड बीत चुके हैं, 26 एपिसोड में अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कौन क्या करता है क्या नहीं करता, और ऊपर से इसको पेचीदा बनाने के लिए, सच में ये जो चीजें देखी ना, अपना सर पकड़ के बैठा था मैं, और इसको और पेचीदा बनाने के लिए इधर यहाँ पर फांग की एक्स जीएफओ घुसेड़ देते हैं, कहते हैं यार अब भी मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और यहाँ पर फांग उसके साथ लगा हुआ होता है, और इधर चाय के साथ फांग का जो छोटा भाई है वो उसके साथ लगा पड़े। क्या चाहते हो यार, सही ढंग से दिखा दो यार, 26 एपिसोड जा चुके हैं यार, और
मतलब तुम सोच सकते हो उसके अंदर, इस सीरीज के अंदर ये जो एलियन है भाई, इसको ऑफिस वर्क दे रखा है यार। ऑफिस वर्क किस किस बिहा पे ऑफिस वर्क देखा, और ऑफिस में वो कर क्या रही है, कुछ भी कोई लॉजिक बनता है उस चीज का? मैं यार वो सीरीज देख रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ यार तुम लोगों को, तुम ये सीरीज देखो ना, ये जो चाय है, ये जो एलियन है, ये जो ऑफिस में बैठ के काम कर रही है ना, मुझे ये बता दो ये काम क्या कर रही है भाई। लिटरली कुछ काम नहीं कर रही, 1% इसने काम नहीं किया, और उसको क्यों बिठा रखा है? और इतनी बार उसको बेइज्जत करने के बाद बंदी चली आ रही है मैं उठा के, नहीं मैं तो काम करूंगी। अरे किस कौन सा काम है यार, कहाँ से तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन आती है उस काम को करने के लिए? क्यों बिठा रखे यार, क्या हो रहा भाई? अब सोचो यार, मेरा ना सटका पड़ा है, ये जो सीरीज देखी ना, इससे मेरा दिमाग ना सटक गया था कसम से। इस सीरीज को देखने के बाद मुझे 2 दिन का रेस्ट करना पड़ा था, ये बकवास अपने दिमाग से निकालने के लिए चल क्या रहा है। और सच में फीलिंग ऐसे आ रही थी कि उल्टी हो जाएगी यार, इसको देखना, इसको टॉलरेट करना इतना मुश्किल हो गया था। तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और रही सही कसर यहाँ पर, VFX भाई, इतने फुद्दू VFX सच में हग रखा है इन्होंने उसमें। सच कहूँ स्टार्टिंग में ये सीरीज सही थी, वाकई में सही थी, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ इसमें पावर पावर देखने को मिलेगी। मतलब पावर तो भाई नामात्री बराबर समझो है, जहां यूज करनी चाहिए वहां यूज नहीं हो रही है। एक तो ऊपर से डबिंग, भाई साहब इतनी फुद्दू डबिंग मुझे लगी है ना, वो पता नहीं डबिंग क्यों कर रखी है यार, हिंदी में इतनी बकवास डबिंग है, एक तो उससे मन उतर जाता है। फिर यहाँ पर इसको कंफ्यूजन इतना ज्यादा डाल रखा है, लड़का कहता है मैं करता हूँ, लड़की कहती है मैं नहीं करती, फिर लड़का कहता है मैं भी नहीं करता, फिर लड़की कहती है मैं करती हूँ, फिर बीच में उनका भाई एक्स उसके फलाना धमकाना पता नहीं क्या क्या घुसेड़ देते हैं। अबे इतना समझने में तो मुझे प्रॉब्लम उसमें नहीं आई थी, जो डार्क सीरीज देख रहा था वो भी मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड सारा समझ में आ गया था, कौन क्या चल रहा है वहां पे। लेकिन इसको समझने में मैंने अपना सर पकड़ लिया यार, अपने बालों को नोच रहा था मैं, अबे चल क्या रहा है यार, दिखा दो ना सही ढंग से कि कौन क्या करता है, नहीं दिखा पा रहे तो खत्म करो ना इस चीज को। सच कहूं ये सीरीज अच्छी हो सकती थी अगर इसके एपिसोड 28 की बजाय अगर 10 कर देते, और ये जो फालतू के जो एपिसोड डाल रखे हैं ना, जब आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कितने फालतू के एपिसोड है। ऑफिस वर्क दे रखा है यार, एलियन एलियन बैठ के ऑफिस वर्क कर रहा है वहां पे, मतलब यार छोड़ो। अगर ये देखो IMDb पे मैंने इसकी रेटिंग देखी, रेटिंग काफी अच्छी है यार, मुझे पता है जब ये मैंने चीजें बोली हैं मुझको सुनने को मिलने वाली हैं, बट क्या करें यार, देखो अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने इसको देखा तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसके 26 एपिसोड मैंने बंद कर दिए, सच में 26 एपिसोड पे मैंने इसको देखना बंद कर दिया। कुछ अजीब तरीके की चीजें चल रही है यहाँ पे, मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, बस इसको छोड़ देते हैं, 2 एपिसोड रह गए ना उसको भी नहीं देखूंगा मैं तो वहां बंद करके मैंने रिव्यू, मतलब ये काफी टाइम हो गया इसको देखे हुए, तब अब इसका रिव्यू करा, कहते हैं अब कर देते हैं यार, देख लिए 26 एपिसोड, उस बहाने वीडियो भी बन जाएगी। तो मेरी तरफ से तो इसको मैं देना चाहूंगा 3 out of 10, 3 वो भी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, एक थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिक्स जो फैमिली की दिखाई जाती है वो भी हमें अच्छा लगने लग जाता है, बट रही सही कसर ये फांग और चाय ये पूरी कर देते हैं कसम से, तुम्हारे दिमाग की दही करने में कसर नहीं छोड़ेंगे ये लोग। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट कर देना कि कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो देखो रिव्यू, अगर मुझे पसंद करते हो तो 40-50 लोगों में एंट्री आती है तुम्हारी, जो इस वीडियो को देख रहे हो जहां तक ये 40-50 तक पहुंच पाती है, तो भाई यकीन करना सच में इससे बेटर कुछ और चीज देख लेना, ये मत देखना यार। ओके तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।